ओके सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो गाइज आप लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त अपने काम व्यस्त होंगे। तो गाइज हम तो तबीयत तो ठीक नहीं है, थोड़ी सर्दी जुकाम है। तो गाइज अपन लोग रीवा में थे और हमारे साथ भैया हैं रीवा के मशहूर जाने वाले इन्फ्लुएंसर हमारे रुद्र तिवारी जी, जिसे आप लोग मिलवाते हैं और आप लोग नाम से हालांकि ना जानते हों, बाई फेस आप लोग पहचानते होंगे। तो ये वीडियो देखिएगा। हेलो पापा। हाँ ये लड़का हमें रोज रोज धमकी दे रहे, का करी निपटा दे। हाँ। चोरी जारी करू ना बाबू। चलते हैं आप सभी को मिलवाते हैं रुद्र भाई से। तो गाइस हमारे साथ रुद्र भाई है और हमारे साथ बड़े अंकित भैया। तो गाइस और रुद्र भाई के हाल चाल? बहुत बढ़िया साहब, प्रभु की लीलाएं चलती रहती है। हाँ। अब बाकी हमारे अंकित भैया बताएंगे कैसे हैं। आप बताइए अंकित भैया, तो बताएंगे ही बस, सब प्रभु की लीलाएं हैं, चलती रहती हैं। आप कैसे यूट्यूब में, आपको सोशल मीडिया में कैसे आने का चांस, क्या राज है सोशल मीडिया में आने आपका? भाई सोशल मीडिया का कोई राज नहीं, मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाता था क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का शौक था। वीडियो बनाता था, अपने आप पब्लिक को पसंद आने लगा, पब्लिक का प्यार मिला, उठता गया। और ये गुंडाई वाला कैसे, ये तो सब सिस्टम वाला क्या चल रहा है आपका? ये सब सिस्टम पर जो वीडियो बनता है? नहीं वो देखिए, मैं वीडियो जो मेरे देखते हैं उनके लिए बताता हूँ कि सिस्टम की वीडियो मैं ज़रूर बनाता हूँ लेकिन सिस्टम हैंग नहीं करता हूँ। ऐसा वीडियो को देख के प्लीज़ कोई उतावला ना बने और करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो सिर्फ हम एक्ट देते हैं ना कि करने की कोशिश करते हैं। और बाकी मेरी वॉइस जो होती है, मेरी कलम जो बिखेरती है, मेरी आवाज़ वही बोलती है, अपने ऊपर जो बीतता है मेरी कलम वही बिखेरती है। और क्या चल रहा है इंस्टाग्राम का अकाउंट रील बनाने का? अभी तो फिलहाल मेरी बंद है, ब्रेक लगी है। हाँ ब्रेक लगा है। तो चलेगा कभी? बस दो चार दिन का और वेट, उसके बाद फिर चालू, फिर सिस्टम है, फिर सिस्टम है, गो बैक एक बार। आपके कंटेंट कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो किससे किससे मुलाकात करवाएंगे हमारी आप? अब देखिए क्या है, जब खाली रहते हैं तो काफ़ी लोग मिल जाते हैं और जब खाली नहीं रहते हैं, क्योंकि सारे लोग इस टाइम पे वीडियो बना रहे हैं सिर्फ मुझे छोड़ के, मैं नहीं बनाता हूँ अभी, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण मैं नहीं बनाता हूँ। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उसको सोल्यूशन निकालने के बाद इंसान फिर काम करता है। बिल्कुल, जिनसे भी आप बोलेंगे मिलाया जाएगा। हमारे करण भाई हैं, टैपिंगर भाई हैं, श्रद्धा मैम हैं, नेहा जी हैं, रच्चू जी हैं, पिंसू भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने रीवा में हैं, रीवा से ही कार्यरत हैं, तो जिनसे भी आप बोलेंगे मिलवाया जाएगा आपको। और अंकित भैया हाल चाल बताइए। मेरा हो गया बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और कुछ नया? हाँ सब वही पुराने चल रहा है भाई, इंस्टीट्यूट वही गार्डन। अच्छा, और ये हमारे भैया का गार्डन है, अंकित भैया का, जहाँ हम ये वीडियो बना रहे हैं, भैया का गार्डन है। और ये इसका पता ये है कि सिरमौर रोड स्टेडियम के पास चुंगी, बाकी भैया गार्डन का नाम बताएंगे। गार्डन का नाम दिव्य स्नेहोत्सव मैरिज गार्डन, मॉडल स्कूल के जस्ट सामने है। मॉडल स्कूल के जस्ट सामने गार्डन बना हुआ है भैया का। अगर किसी भी हमारे दर्शक को बुकिंग करना हो तो प्लीज़ एक बार अंकित भैया के पास आके विजिट करें। साथ में इंस्टीट्यूट भी चला रहा और हूं, साथ में भैया का इंस्टीट्यूट भी है, PGDCA DCA कॉलेज पूरा। जो भी आप लोग को चाहिए आप भैया को से एक बार विजिट करें, संपर्क करें, भैया का नंबर नीचे दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। और क्या बोलना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते बस यही बोलेंगे कि प्रभु की लीला है, चलती रहती है, जय श्री महाकाल। हमारे लिए क्या बोलना चाहेंगे? अपने भाई का चैनल है और इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मेंशन हो जाएगी नीचे, आप लोग फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। भाई का सपना है आर्मी में होना, भाई का सपना साकार यूट्यूबर भी बनना है। यूट्यूबर तो बन जाओगे आर्मी मैन। आप रीवा में ऐस करिए, सिस्टम हैंग करिए, मैं मऊ बन करूँगा। अरे सपना है अपना रीवा में अपने को राज नहीं करना है, अपने को नहीं, लोगों नहीं, के दिलों में राज। वही पे वही आप रीवा मुझे तो... मेरा ये नहीं मानना है कि मैं रीवा तक सीमित रहूँ, मेरा मानना है मैं ऑल इंडिया और इंडिया से बाहर भी लोगों के दिलों में राज करूँ, क्योंकि बेमौत तो सब मरते हैं लेकिन मुझे नाम करके बनना है, बेनाम नहीं बनना है। ऐसा अपना बस यही मानना है, भैया लोग का सपोर्ट है, पीछे भैया लोग खड़े हैं, आगे मैं करता जा रहा हूँ। ऐसा सब भैया लोग सपोर्ट है? हाँ फुल सपोर्ट, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का बाद में, पहले तो भैया लोग। ऐसा तो गाइस कि मैं उसी को भगवान मानता हूँ जो मेरे साथ खड़ा होता है, जो ना दिखे मंदिर में उनको मैं भगवान नहीं मानता, सही बताऊँ मानता हूँ दिल से, लेकिन जो मेरे साथ खड़ा है, मेरे पास है, मेरे लिए वही भगवान है बस।
बाकी सब प्रभु की लीलाएं हैं, चलती रहती हैं। बस यही डायलॉग है भैया का, प्रभु की लीला है, बाकी तो सब भैया चलता रहता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं बिल्कुल, दबा के सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है फुल। जाते जाते मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए जी, जी बोलिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे ही कर्म एक दिन तुमसे मिलने जरूर आएंगे। क्या बात, उस दिन हैरान मत होना। क्या बात, क्या बात। तो गाइस मिलते हैं किसी अपनी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय बिंद, जय महाकाल, जय महाकाल, प्रभु की लीला है, जय प्रभु की लीला।